आपका म्यूट है, पूरा दिखाई दे दिया है, दे चुका है, और अब हम लोग बुला सकते हैं ब्रांड न्यू रूबी प्रथम एंड नीरा पांडे को जबरदस्त तालियों के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, एंड आपका नमन है, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रभु ईश्वर को प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु प्रियंबत और सुनीता को नमन करते हुए मैं एक धन्यवाद बोलना चाहूंगा आज के जो होस्ट हैं हरकिशन सर और अजय जी को। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप हमें मौका दिए कि हम अपना अचीवमेंट आप लोगों के सामने कुछ बात कर सकें। इनफैक्ट ये अचीवमेंट नहीं है, ये यात्रा है। बाय द वे, मेरा नाम प्रथम है, मेरी पत्नी नीरा। इस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस को एज अपॉर्चुनिटी में बिल्ड करना शुरू किया, इसके लिए मैं रहने वाला अमेठी का हूं। भारतीय नौसेना में 23 साल जॉब किया, वहां थोड़ा पैसे कम मिलते थे, आपको पता है शान शौकत सब रहती है, रंगत भी रहती है, लेकिन संगत भी अच्छी होती है, लेकिन धन कम होता है। डिफेंस की सर्विसेज आपको पता है, मैंने चैलेंजेज अच्छा एंजॉय किया, एडवेंचर को एंजॉय किया। 23 साल बहुत बड़ा समय होता है अपनी जवानी देश को देके, मुझे लग गया कि अब पैसे अगर ज्यादा चाहिए तो ये रास्ता बदलना पड़ेगा। मैं ऑलवेज अपॉर्चुनिस्ट हुआ करता था, मैं आशावादी हूँ, ईश्वर पे बिलीव करता हूँ, अपने आप पे बिलीव करता हूँ कि अगर वो जन्म दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ। एक नीरा से बात करके मैंने भारतीय नौसेना को अलविदा बोला, VRS लिया 2012 में, उसके बाद अपना कुछ बिजनेस करना शुरू किया। मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर हूं, और इनफैक्ट रिटायरमेंट के करीब 3 साल के बाद ये बिजनेस शुरू किया। मेरा 2 जगह ऑफिस है, दिल्ली और मुंबई। फिलहाल मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसे सबका जन्म होता है अकेले आता है इस दुनिया में, मैं भी अकेले आया था। बहुत हम्बल परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, अच्छे किसान है, जमींदार किसान, इतने जमींदार कि पूरे पूरे गांव को जब जरूरत पड़ती थी तो अन्न बांटते थे। हम लोग भी कभी कभी जो कंप्लीट फूड होता है, दाल चावल रोटी और सब्जी, कभी कभी एक दो डिश स्किप ही होती थी, फिर भी हम जमींदार थे। थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन हमने वो दिन देखे हैं जबकि मैं शिक्षा दीक्षा मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं 12th कंप्लीट ही किया था कि 18 साल की उम्र में मैं भारतीय नौसेना में चला गया। नौसेना में गया, सपने बड़े थे, बहुत बड़े सपने थे। और एक गांव का इंसान, जब गांव का लड़का जो कि अपना ठीक से डिस्ट्रिक्ट भी नहीं देखा है, उस समय अमेठी डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था, हमारा डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर था, मैंने ठीक से अपना जिला भी नहीं देखा था, गांव में ही शिक्षा दीक्षा हुई थी, और भारतीय नौसेना में भर्ती होके गया तो देखा कि बड़े शहर कोची, मुंबई सपनों का शहर, एंड दिल्ली, वैजाग, शिप, बड़ा मजा आता था, बहुत मजा आता था। क्यों? मैं एक सप्तदर्शी इंसान हूं, मैं ऑलवेज अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करता हूं। हालांकि मैं अभाव में मैं मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं अभाव में नौकरी किया था, क्योंकि अगर अभाव नहीं होता तो मैं अपनी शिक्षा बड़ी ऊंची शिक्षा लेता और किसी बड़े मुकाम पे होता। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है, उसमें हम कुछ उसमें कर नहीं सकते, आप सिर्फ उसको बताते रहिए। मैं भी वही किया। समंदर में जब सेलिंग के लिए जाता था, अथाह समंदर हमारे भी अनंत सपने, उसी के साथ हिलोरे लेते हुए, फिर एक्सरसाइज, आपको पता है डिफेंस में एक्सरसाइज होती है कोई एडवेंचर, उसके लिए हम हैप्पीनेस के लिए या टूर ट्रेवल के लिए सेलिंग नहीं करते,
15-20 दिन, एक एक महीने की श्योरिटी करके जब वापस आते थे, उसी समंदर के साथ हमारे भी सपने हिलोरे लेते थे जब, लेकिन वापस आते थे तो वही दो कमरे का सरकारी घर, कमरे दो ही होते हैं, हॉल चाहे जितना बड़ा हो कमरे दो ही होते हैं, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उसको नमन करता हूं, हमें कल्चर दिया है, हमें अब मेरी ड्रीम को बहुत स्ट्रांग करने की शक्ति दी है। हमारा जो जॉब प्रोफाइल था भारतीय नौसेना को, भारतीय नौसेना में नहीं होता तो इतनी सुंदर पत्नी नहीं मिलती, उसके लिए भी उसको नमन करता हूं, किंतु धन ज्यादा नहीं होता था। और आपको पता है धन के बिना आज की तारीख में या पहले की भी तारीख में कुछ होता नहीं। तो संघर्ष, समंदर की सेलिंग, देखता था कि अगर एक खोखली जहाज इतने लोगों को लेके इतने अथाह समंदर में अगर तैर सकती है, उनको पार घाट लगा सकती है, तो बॉस ईश्वर की हम भी संतान है, मुझे पैदा किया है तो अपॉर्चुनिटी देगा, मैं प्रोसेस में अपने आप को डाल देता हूं, उस पर अर्जी लगा देता हूं, कहीं ना कहीं रास्ता जरूर दिखाएगा मुझे। बड़ा मुझे अगर सपने दिया है, जीवन दिया है, इंसान दिया है, ब्रेन कॉमन सेंस सब कुछ दिया है, दो हाथ दो पा, एक 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 कॉमन इंसान को जब सब होता है, मैंने अर्जी उस परम पिता को लगाई कि हे ईश्वर अगर तूने मुझे जन्म दिया है तो इसी इसी जन्म में मुझे सारी सारी मेरे संभावनाएं, सारी मेरी ड्रीम पूरा करने की अपॉर्चुनिटी दिखा, और मेरे अंदर शक्ति दे, मेरे अंदर बल दे, मेरा कर्मयोग अच्छा करके मैं उसको पूरा कर सकूं। मेरे तीन बच्चे हैं और सबके सबकी तरह मेरे भी एक ही पत्नी है। मेरी बड़ी बिटिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट करके अभी जॉब में है और कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी कर रही है। छोटी पुत्री आर्मेनिया से MBBS कर रही है और पुत्र जो है वो 12th में है। इस अपॉर्चुनिटी की अर्जी तो मैंने लगाई थी, किसको? ईश्वर को। लेकिन शुरुआत जो विजन मुझे मिला वो नीरा के थ्रू मिला। तो प्लीज आप सबका मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि नीरा का स्वागत कीजिए। वो कैसे मुझे इस अपॉर्चुनिटी में डाली, कैसे स्मार्टली इसमें लेके आई। मैं नहीं चाहता था इस बिजनेस को बिल्ड करना, प्रोडक्ट के यूजर थे हम लोग, बट इसको एज अपॉर्चुनिटी नहीं देखता था, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं वो ड्रीम था। इसने क्या देखा, सुनीता भाभी जी से कैसे बात की। तो प्लीज वेलकम नीरा पांडे। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीरा प्रथम पांडे है और मैं इस बिजनेस को हेल्थ वेलनेस और एसोसिएशन के लिए कर रही हूँ। मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है और मेरे मेंटर सुनीता भाभी और प्रियंबत भैया हैं। हम लोगों की बहुत अच्छी चल रही थी, जो भी था हमारी शादी भी अरेंज मैरिज थी, हम लोग उसमें खुश थे। प्रथम नेवी में थे और हम लोग हमें पहली बार जब बॉम्बे लेके गए तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ जब गए देखे तो वही दो रूम दो कमरे, मुझे लगा कि जो हम चाहते थे शायद वो मुझे नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में फिर वही हुआ, ये जाते थे सेलिंग जाते थे आते थे, हम अकेले रहते थे, तो जब आदमी अकेला रहता तो बहुत कुछ सोचता है, हम भी वही सोचते थे। और लेडीज की ड्रीम बहुत बड़ी होती है। फिर प्रथम जो है 23 साल तक नेवी में जॉब किए, हम लोगों को जो चाहिए था वो नहीं मिला और मैं इससे सेटिस्फाई नहीं थी। और उसके बाद में फिर जब ये छोड़ दिए दूसरा बिजनेस पकड़े, मुझे कुछ अलग ही दिख रहा था, सोच रहे थे कि क्या ऐसा करूं जो कि मुझे बहुत कुछ मिले और बहुत बड़ा सोचे, बहुत कुछ करने के लिए सोच रहे थे, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद में फिर ऐसे ही मुझे कहीं से प्रोडक्ट मिला, ये MA का प्रोडक्ट ग्लिस्टर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे फिर मैं और भी इसके प्रोडक्ट लेने लगी, सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगने लगे। फिर एक लेडी आई, बोली कि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा बिजनेस है,
भाभी आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। हम कहे कहाँ होगा, छोड़ दीजिए, नहीं हमसे होगा। बोली नहीं भाभी आप कर सकते हो। मैं भी फिर कहीं देखी, एक बार मैंने बिजनेस किया लेकिन मैं उसमें सक्सेस नहीं हुई। तो मैं सोच रही थी मुझे कोई ऐसा लीडर चाहिए जिससे कि मैं प्रथम को उनके साथ अगर कर दूंगी तो शायद हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो हम सुनीता भाभी को कहीं ना कहीं से इनका नंबर देखते रहते थे, कहीं से मिला नहीं। एक दिन मुझे ऐसे ही मिला, कहीं कहीं से सुनीता भाभी का नंबर मिल गया। फिर मैं 2-3 बार भाभी को कॉल किया, भाभी ने फोन नहीं उठाया, बेटे ने उठाया। उसके बाद फिर मैंने किया, मैं हार नहीं मानी क्योंकि मुझे बहुत बड़ा करना था। तो भाभी ने जब फोन उठाया, मैंने सीधा भाभी से एक ही सवाल किया, भाभी मुझे एमबे करना है। बोली आप कौन हो, आप अपना नाम बताइए। फिर मैंने बताया, भाभी मेरा नाम मीरा पांडे, मैं पहले पहले भी इस बिजनेस को कर चुकी हूँ लेकिन मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। भाभी बोली ठीक है। मैंने नाम बताया, फोटो भी भेजा। भाभी ने बोला आप अपनी फोटो भेजो, ऐसे में किसी को नहीं ज्वाइन करा सकती। तो मैंने सिर्फ अपना और प्रथम का ही फोटो भेजा। फिर हम लोग, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे सुनीता भाभी और प्रियंबद भैया मिले। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए। ये दोनों बहुत बड़े ड्रीमर थे और बहुत बड़े ड्रीमर हैं। शायद हम लोग भी इन्हीं को देख के, इनके पदचिन्हों पे चल के अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। और साथ में कहीं अगर हमें लगता है कि मुझसे नहीं होगा तो हम भैया और भाभी से बात करते हैं। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि जब ये लोग ये मुझे बात करते हैं तो मुझे लगता है नहीं, हम लोग जो नहीं कर पाएंगे बहुत बड़ा करेंगे। इनके साथ में रह के हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इस बिजनेस को आप लोग भी कीजिए, छोड़िएगा नहीं। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, अथाह सागर है। आप लोग इस बिजनेस को करो। और प्रथम को मैंने बोला कि मैं इसका एक डिसीजन ले चुकी हूँ और मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा करूंगी। अपने बच्चों को साथ में लेके मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। इसमें हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का हमारा बहुत सपोर्ट है। और अगर अपलाइन का सपोर्ट है तो हम कितनी भी बड़ी सागर हो, हम उसको पार कर जाएंगे। मैं अपना ये जो मुझे कहना था मैं कह चुकी। अभी प्रथम को बोलती हूँ, ये आपको अपनी सारी बातें कहेंगे। थैंक थैंक यू नीरा, थैंक यू सो वेरी मच। ये बहुत स्मार्ट है। मुझे तो शुरू में लगा कि मुझे फंसा के निकल गई, बट ईश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मांगता था वो मिला। जीवन में कई बार उठापटक बहुत हुई, मेरे साथ भी हुई, बिजनेस को लेके, नौकरी को लेके, ट्रेडिशनल बिजनेस को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक ड्रीमर हूं और एक अपॉर्चुनिस्ट हूं, तो मैं ये जरूर कैलकुलेट कर लेता था, ईश्वर जितना बड़ा तू चैलेंज देगा, मुझे पता है उतने उतना बड़ा सक्सेस तेरे गर्भ में छुपा है, तू मुझे जरूर देगा। मेरा विश्वास दृढ़ और होता गया, ईश्वर पे और दृढ़ विश्वास होता गया। मैं ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ, थैंक्स गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई। मैं इसको सौतेले नजर से देखने लगा था, मुझे अपॉर्चुनिटी समझ में आई। थैंक्स टू नीरा कि ये जो मुझे समझती थी, ये मुझे समझती है थी, और इसको पता था कि एक बार अगर मेरे मन में बस गया तो सहज भाव से ही मैं बहुत बड़ा कर जाऊंगा। थैंक्स टू रिच एंड जे, जिन्होंने इतना वंडरफुल वंडरफुल और वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अपने लिए नहीं पूरे संसार के लिए बनाई है। और बहुत 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 बड़ा धन्यवाद, बहुत 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 बड़ा धन्यवाद सुनीता भाभी जी के लिए, जो कि देखा जाए तो हमारी हमारा जन्म तो मेरी माँ ने दिया है, लेकिन इस बिजनेस के लिए जन्म मेरे लिए वो यशोदा है कि इसका विजन उन्होंने डाला, इसका बीजारोपण दिया, और मेरे लिए शक्ति स्रोत है। और मेरा तो एक स्लोगन है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, मैंने उनको जपा नीरा के थ्रू, और प्रियंबत जी तो मुझे बाय डिफॉल्ट मिल गए। ये लोग सुनीता मैम से कब सुनीता भाभी जी बन गई फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं चला। प्रियंबत सर से कब मुझे प्रियंबत भैया बन गए, मार्गदर्शक बन गए, गुरु बन गए, भ्राता बन गए। एक 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 जो हीरो होता है किसी भी परिस्थिति में परफॉर्म कर जाता है, मेरे जीवन में उनका वैसा रोल है। मुझे एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए जैसा एसोसिएशन चाहिए था,
जैसा अपॉर्चुनिटी चाहिए थी अपने फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपने बच्चों के ग्रोथ के लिए, उतना मिला ना, उससे ज्यादा चाहिए था मुझे, ना उससे कम चाहिए था मुझे। सुनीता प्रियंवत जैसा एमबे बिल्डर घराना मिल गया। अब कमी थी तो मेरे पास थी, कि चैलेंज था तो मेरा खुद से था कि बॉस एक बार तुम्हें सब कुछ मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया है, कैन यू ग्रो, डू यू वॉन्ट टू ग्रो। प्रियंवत जी मेरे से एक दो क्वेश्चन किए थे, वो ऐसे सहज भाव में आपको लगते हैं कि कहा जाता है कि सहज भाव सो शिवधन तोरा और जनक सुता संग नाता जोड़ा। भगवान राम सहज दिखते थे लेकिन सहज थे नहीं, सेम वे प्रियंवत जी हैं। सुनीता भाभी तो बहुत ही सहज है। प्रियंवत जी जब तक उनको कर्म योग नहीं दिखेगा तब तक आपके द्वारे आएंगे नहीं। तब तक मुझे वो दिख गया था, मेरे से कुछ क्वेश्चन किए, मेरे जो ड्रीम थे, मेरे सपने क्या थे। मैं एक अभी 23 साल नौकरी कर लिया, बहुत फ्रीडम की लाइफ चाहिए थी, धन हो, और बहुत ज्यादा धन नहीं चाहिए, बच्चे पढ़ लें वो सक्सेस हो जाए, और हम पति पत्नी इतना धन दीजिए जाको कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाए, इतना ही चाहिए था। लेकिन वो भी तो नहीं मिलता था। मैं नोएबी छोड़ के जब बिजनेस शुरू किए तो धन तो थोड़ा बढ़ गया लेकिन चैलेंजेस भी बढ़ गए, टाइम नहीं मिलता था। थैंक यू सर, मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने डिसीजन लिया, इस अपॉर्चुनिटी को मैं बिल्ड करूंगा, और इतना बड़ा बिल्ड करूंगा इस घराने से, ना तो ज्यादा और ना तो कम, और सहयोग भी इन्हीं से लूंगा। मैंने अपना कर्मयोग करना शुरू किया, जैसे मैं दूसरे प्रोडक्ट बेचता था वैसे इसको बेचना शुरू किया। मैं बहुत ज्यादा शुरू में टीम बिल्ड और इस पे नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये टर्नओवर से ही पैसे आता, मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी, और जब पैसे आने लगे तो हम टीम बना के इसको ऑटो पायलट भी बना लेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ हमने शुरुआत की। मैं प्रियंबत सर से, प्रियंबत भैया से, प्रियंबत गुरु से मैंने अपना DPR बनवाया। मैं बोला हमारा भी एक पथ बना दीजिए ताकि मैं उस पर चलने की कोशिश कर सकूं। मित्रों, साथियों, दोस्तों, मेरी शुरुआत अक्टूबर 2019 की थी। इनफैक्ट एक महीना नीरा छुपा के ही रखी थी मेरे से कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए, ऑलरेडी चैलेंज से जूझ रहे हैं, ऑलरेडी ट्रेडिशनल धंधे से जूझ रहे हैं। मेरी पहली मुलाकात प्रियंबत सर से नवंबर में हुई थी 2019, मुझे अभी भी याद है। एक लीडर के घर में वो नाइट आउट कर रहे थे, पहली बार मुझे वहां रूबरू कराया था। नीरा ने अगस्त में बात की थी लेकिन मेरी मुलाकात के लिए मुझे इंतजार करना पड़ा था। एनीवे, मैं एक सहज भाव में गया। इस शख्स को देख के मैं बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन ले चुका था, सिर्फ शुरुआत में नीरा को खुश रखने के लिए, कि मेरे साथ बहुत ज्यादा झेली है, 23-24 साल 25 साल कम नहीं होते हैं, अब तो इसकी खुशी के लिए बिजनेस को बिल्ड ही कर सकते हैं। एंड DPR बनवाया, अपना ट्रैक बनवाया, और फिर उस पर चलने का माजदा किया। ईश्वर को धन्यवाद किया, प्रियंबत सर और सुनीता भाभी जी को धन्यवाद किया। देख लीजिए अभी भी उनके लिए सर निकलता, उनके लिए भाभी जी मैं आपका नमन करता हूं। और क्या बोलूं, मुझे शर्म नहीं आती प्रोडक्ट बेचने में। शुरू में हम प्रोडक्ट के ऊपर खूब ध्यान दिए, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप टीम का, नेटवर्क का भी निर्माण करना होगा, वो भी, मैं बोला वो भी करूंगा। रूबी की जो पिन है वो मैं, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे अपने गुरु का रेप्लिका बनना है, मुझे अपने गुरु को 200% फॉलो करना है, क्योंकि टेंशन मुझे उधर देनी, मुझे सिर्फ काम करना है, टेंशन उधर देनी है। प्रियंबत जी इस एमवे बिजनेस के लिए 4 पिन की बात करते हैं, प्लैटिनम एंड फाउंडर प्लैटिनम, रूबी, डायमंड एंड क्राउन। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, मैंने इनके ऊपर सहज विश्वास किया, अंधविश्वास किया, पूर्ण विश्वास किया, जो विश्वास मानिए सब किया। मैं बोला प्लैटिनम तो हो चुका हूं, अब मुझे नेक्स्ट पिन है रूबी, मुझे रूबी जाना है। मैं इनसे प्लान प्रोजेक्ट बनवाया, बोला इसमें टीम निर्माण करना है, सब कुछ करना है, इसमें 1 लेग 18% की चाहिए, 1 लेग 15% की चाहिए, 2 लेग अगर 12% की हो, 1 और 15% की हो। इन्होंने एक DPR बनाया, ओवरऑल PB कितने चाहिए। मैं बोला कि जी ये मैं कर जाऊंगा,
और मैंने एक बहुत इमोशनल डेट निकाली। मैं इनफैक्ट हाफ रूबी बनना चाहता था 6 जून को, 6 जून 2021 को। क्यों? मेरे लिए वो शिवरात्रि से कम नहीं है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मुझे शक्ति अगर मिलती है, प्रियंबत जी को शक्ति मिलती है तो सुनीता भाभी से, वो उनका शादी की वर्षगांठ थी। लेकिन उस तिथि को मैं हाफ क्या 1/4 रूबी बन पाया, सिर्फ 5,000 पीवी 6 जून को मैं कलेक्ट कर पाया। फिर मैंने दोबारा रिवाइज किया इसी महीने ग्रुप में एक ब्रांड न्यू 18%, ब्रांड न्यू बीबीआई, ब्रांड न्यू 18% आलोक और श्वेता के रूप में, ब्रांड न्यू बीबीआई मनोज और संदीप के रूप में, एक ऑलरेडी मेरे पास मेरी ग्रुप में बीबीआई है मंजू यादव के रूप में, एक नया 12% ब्रेक हुआ दीपा और अविनाश रंजन के रूप में, एक और नया 12% एक और नया 12% ब्रेक हुआ पूजा द्विवेदी के रूप में, और एक मैंने अपनी बेटी को इस एक बिजनेस गिफ्ट करना है ताकि उसको 1-2 लाख की कभी जरूरत ना पड़े, मैंने उसके टीम का निर्माण किया, उसको ब्रांड न्यू बीबीआई करते हुए, मेहनत करते हुए, प्रियंबर सर से बात करते हुए, जहां कमी है उनको इन्वॉल्व करते हुए, और 28 तारीख तक क्वालिफिकेशन में घुस गए, डेंजर लाइन क्रॉस कर गए, और क्लोजिंग होते हुए थे तो उसका प्रियंबर सर। ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? मेरा एक दृढ़ विश्वास था, मैंने एक इमोशनल डेट चुनी, एक इमोशनल मंथ चुना, और प्रथम नाम को चरितार्थ करते हुए इस घराने में A70 में मैं पहला रूबी प्राउड के साथ नहीं, विनम्रता के साथ मैं प्रथम के रूप में A70 बेस कैंप का प्रथम रूबी बनने का मुझे जो एक ये मौका मिला है, इसका सारा धन्यवाद मैं अगर किसी को देना चाहता हूं तो और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीम। ठीक है, सब हो जाएगा। महाभारत का युद्ध जीता किसने था? बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जीता था, उसकी पूरी रूपरेखा लिख चुकी थी। भगवान कृष्ण जिस दल के सारथी हैं, उस दल की तो हार हो ही नहीं सकती, बट दल को अपना पुरुषार्थ दिखाने की जरूरत है, अपना गांडी उठाने की जरूरत है। तो ये सारा क्रेडिट किसी और को नहीं, सुनीता प्रियंवत घराने को जाता है और प्रियंवत जी को जाता है। इनके लिए मैं 2 शब्दों के साथ शुरू कर कंप्लीट करना चाहूंगा। करते हो तुम प्रियंवत, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। मित्रों, गुरु जो होता है ना, वो आपको खाई से निकाल के कर सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको सुनो तो, उसको तो सबमिट तो करो। हनुमान जी ने गुरु चुना था भगवान राम के रूप में, 1000% उनको सबमिट किया, समर्पण किया। आज की डेट में सबसे बड़े पूजनीय हनुमान जी हैं। तो मैं नमन करता हूं इन गुरु का, इस अपने इस गुरुकुल का। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। ईश्वर को धन्यवाद देता हूं मेरे अंदर कर्मयोग डालने के लिए, मुझे स्वस्थ रखने के लिए, मुझे व्यस्त रखने के लिए, और विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे मस्त रखने के लिए। एक एक संस्कृत का श्लोक है जिसको मैं जीता हूं, मुझे बचपन में पढ़ाया जाता था, मेरे दादाजी उसकी उसकी उसका व्याख्यान करके बताते थे, मैं उसी को पकड़ के चला। अगर उसको कोई पकड़ के चल दे, ये बिजनेस स्वतः हो जाता है, क्योंकि उस 1-2 लाइन के श्लोक में इस बिजनेस का सब कुछ छुपा है। सारे करेक्टर, 4 basic, 9 core step, 3 power, 3 cardinal rule, सब कुछ एसोसिएशन छुपा है। वो श्लोक है, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौ हृदम चा लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। कहने का मतलब, आप उत्साहित रहिए, दीर्घ सूत्री कार्यक्रम बनाइए, DPR लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल बनाइए। व्यसनों से सशक्त रहे हो, बुरी आदतों से आसक्त मत होइए, सशक्त रहिए, उसके उसका विरोध कीजिए। सूरवीर रहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए, अपने हृदय में, अपने आप में
दृढ़ संकल्प रखिए और किसी ने किसी भी तरह का उपकार किया है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। कृतज्ञ नहीं, एक शब्द बहुत बड़ा चेंज ला देता है, आप उसका उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए। ऐसा अगर कर लेंगे ना, माता लक्ष्मी स्वमेव ही निवास के लिए आपके घर में आ जाएंगी। मित्रों, मैं आप सबका नमन करता हूं, यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों का, जितने भी लीडर हैं, मैं सबका नमन करता हूं। आपने सब ने मुझे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया है, इस बिजनेस को बड़ी ऊंचाई तक ले जाने के लिए विजन दिया है। मैं आप सबका नमन करते हुए अपने गुरुदेव को एक बार फिर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे गुरु को बरकरार रखिए। हम सारी सीढ़ी नाक जाएंगे, सारे अचीवमेंट लेंगे और सारे सपने पूरे करेंगे, क्योंकि इसमें आपके अकेले सपने पूरे नहीं होते, आप अकेले फ्री नहीं होते, एक टीम फ्री होती है। होठों पे मुस्कान अभी बाकी है, हृदय में अनमार अभी बाकी है, अभी तो कुछ रेखाएं खींची हैं मित्रों, हिमालय पे निशान अभी बाकी है। गुरुदेव को दोबारा नमन, आप सबको बहुत बहुत नमन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, खूब स्वस्थ रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, बिंदास हमें बिजनेस कर जाएंगे, गॉड ब्लेस यू। बहुत 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 बधाई हो आपको प्रथम जी एंड नीरा जी, आज आपने कितने लोगों को इंस्पायर कर दिया है, इस हॉल में बैठे हुए और यूट्यूब पे जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं वो सभी लोग बहुत ही इंस्पायर्ड हुए हैं आपसे। एंड वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग अ ब्रांड न्यू रूबी पिन, थैंक यू। हरिकृष्ण जी, आगे बढ़ते हुए मैं एक स्पीकर